स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मीन की एस्टिमेशन हम लोगों ने स्टडी की है. उसके बाद हम लोगों ने वेरियंस के एक्सप्रेशंस को भी ड्राइव किया है. एंड देन वी परफॉर्म्ड एन एग्जांपल टू एस्टिमेट द मीन एंड देन वी फाइंड द वेरियंस ऑफ द सैम्पल मीन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द वेरियंस फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पल मीन. स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो जिसमें हम हर एक सैंपल के जो मीन है उसमें से ओवरऑल मीन को माइनस कर रहे हैं और स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन का सम करके टोटल साइज पर डिवाइड कर रहे हैं. सो अगर मैं ये जो हर एक सैंपल का मीन है इसको ओपन करूं, सो दैट वुड बी ओपन लाइक दिस. Sum of I is equal to 1 to n, yi over small n. n हमारा sample size है, उसको sum कर लें और n पर divide कर लें. किसी भी systematic sample mean के लिए ये formula आप apply करते हैं. That is the simple arithmetic mean. इस step से अगर आप 1 over small n को common ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और ये square की वजह से बाहर n square हो जाएगा. और फिर ओवरऑल ये जो 1 ओवर स्मॉल n है, ये जब कॉमन लेंगे तो यहां पर इस y बार के साथ मल्टीप्लाई भी होगा. एंड देन यू कैन टेक द समिशन एज कॉमन और फिर उससे आप ये फॉर्म बना सकते हैं. सो फर्दर स्टूडेंट्स, ये फॉर्म जब आप बना लें तो आप देख रहे हैं कि समिशन सम ऑफ y i माइनस कैपिटल y बार पॉपुलेशन मीन इसके सम का होल स्क्वायर है. जब भी सम का होल स्क्वायर होता है तो हम इसको इस तरह से ओपन कर चुके हैं, पहले भी ओपन कर चुके हैं और फिर हम इसको ओपन कर रहे हैं. कैसे? कि समिशन हम अप्लाई करते हैं इसके स्क्वायर्स पर लाइक दिस और प्लस करते हैं डबल समिशन व्हेन आई इज नॉट इज इक्वल टू जे कह लें, यू कह लें, कुछ और भी कह सकते हैं आप, यू इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन. सो स्टूडेंट्स, वाई आर आई माइनस कैपिटल वाई बार I की वेरिएशन और यहां पर U की वेरिएशन आप शो करेंगे एंड दिस समिशन विल गोज टू 1 टू स्मॉल n. इसके बाद आप ये जो समिशन R इज इक्वल टू 1 टू k है इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दें. सो सिंपल स्टेप है, ये अप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी, यहां इसके साथ अप्लाई हो जाएगा तो यहां शो कर दिए उसको. सो स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप इस पर गौर करें तो दिस इज ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन जो है, जो ओवरऑल सिस्टमैटिक सैंपल्स थे जो हम टेबल स्टडी कर चुके हैं, उस सारे का सम हो रहा है यहां पर. सो ये एक सम ऑफ स्क्वायर्स और डेविएशन की फॉर्म है जिसे अगर मैं वेरियंस में डिफाइन करूं तो आप कुछ इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समिशन वाई आर आई माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन के माइनस वन. दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ आप एन के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. एंड इस स्टेप में हमने इस स्टेप से इस स्टेप में आते हुए सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज किया है एंड रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज सेम. सो फॉर द स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम एक दूसरी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं वेरियंस की, वाई बार के वेरियंस की अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. स्टूडेंट्स, जो अल्टरनेटिव फॉर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हमने इंट्रा क्लास कोरिलेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं लीनियर कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, यहां पर इंट्रा क्लास कोरिलेशन से मुराद है the correlation between the pair of the units in the same systematic sample, jisko hum is tarah se define karenge. Rho w means intra class correlation, jise hum do units ke darmiyan same systematic sample mein define kar rahe hain. And the formula wahi jo conventional correlation coefficient ka hota hai wahi hai. Covariance ko hum variances par divide karte hain. So जो कोवेरियंस टर्म है उसको हम इस तरह से ओपन कर रहे हैं. पहले डबल समिशन है जिसमें i नॉट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 टू n है और फिर उसे ओवरऑल टोटल सिस्टमैटिक सैंपल्स r इज इक्वल टू 1 टू k
पर अप्लाई किया जा रहा है एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग द वेरियंस टर्म्स दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आर आई माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर की टर्म को हम ओपन कर सकते हैं सम डबल समिशन ऑफ वाई आर आई माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर ओवर आर के. आर के आर द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज, टोटल पॉपुलेशन साइज कह लें, जिसमें हमारे पास टोटल जो हमने टेबल देखा था उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपीयर हो रही हैं हर रो की वैल्यू को मिला के. सो जो इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को आप लिख सकते हैं कैपिटल एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर. कैपिटल एन अगेन आर के है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पॉपुलेशन साइज. सो इससे हमने डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लिया, राइट. सो इस एक्सप्रेशन से हम एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसे हम फर्दर इस एक्सप्रेशन में यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो वेरियंस ऑफ वाई बार है अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वो इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट में डिस्क्राइब हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, हमने उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, यहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जस्ट लिटिल बिट मैनिपुलेशन है यहां पर, वो आप कर लीजिए तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा. उसे हमने एक साइड पर कर लिया एंड अगेन वी हैव वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वो हमारे पास ये है. इस पर इस एक्सप्रेशन की जगह पर हमने यहां से ये वैल्यू यूटिलाइज की है एंड वी ऑब्टेन्ड दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से हमने एन के माइनस वन एस स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर भी एन के माइनस वन एस स्क्वायर है ये भी बाहर कॉमन आ जाएगा. सो वी विल रिमेन विद दिस टर्म एंड ओवरऑल वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा. ये वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जो हम सिस्टमैटिक सैंपल मीन के लिए डिस्कस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड फॉर द वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर सिस्टमैटिक सैंपलिंग. इसमें आप अगर एन को यहां से अलग करके इसके साथ लिख लें तो इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और फर्दर एन के को आप कैपिटल एन कह सकते हैं तो फिर इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सैंपल मीन अंडर सिस्टमैटिक सैंपलिंग विच इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और हम फ्यूचर के लेक्चर्स में इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे.